हाय एवरीवन वेलकम टू करंट क्रंच आई होप यू ऑल आर डूंग वेल तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज uh, आज इसका सेकेंड वीडियो है जिसमें करंटली हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस फाइव सिक्स मंथ इसमें कवर्ड है तो जैसे आपका प्रीलिम्स नवंबर में है जेके एस का तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा प्लस अगर मीनवाइल कोई जेके एस एस बी का जैसे नाइब तहसीलदार सब इंस्पेक्टर का कोई एग्जाम की नोटिफाई होता है इन बिटवीन कोई एग्जाम हो जाए उनका तो उनके लिए भी यही करंट अफेयर्स की सीरीज रहेगी जिनका भी एग्जाम थोड़ा आगे जाके होगा तो अकॉर्डिंगली इसमें जो मॉडिफिकेशन एंड एडिशन टाइम टू टाइम करनी होंगी वो मैं करा लूंगी हम अब क्या हम क्या करेंगे इसकी जो कवरेज है मंथ्स की उसको इंक्रीज कर देंगे ठीक है तो कोई भी अगर क्वेरी होगी आप मुझे मेल कर सकते हो करंट क्रंट जी मेल कॉम अभी मेरी एक बुक लॉन्च हो रही है अक्टूबर से वो डिस्पैच हो जाएगी जिन लोगों ने भी प्री ऑर्डर किया हुआ है बुक को तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन उस बुक में है जो भी आपके के एस एंड एस एस बी के एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं प्लस उसमें थर्टीन हंड्रेड एमसीक्यूज हैं तो काफी वाइड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है उस बुक में वैसे बुक जम्मू एंड कश्मीर की आपको और कहीं नहीं मिलेगी ठीक है तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं सेवन डबल जीरो डबल सिक्स डबल सेवन डबल टू फाइव पे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स हमारा पॉलिटी वाला करंट अफेयर्स पॉलिटी सेक्शन का करंट अफेयर्स करंटली हम अपना जो है वो कॉन्टिन्यू करते हैं तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही रहेगा क्योंकि वैसे आपको याद करने में काफी ईजी रह जाता है तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी क्यूसी आई सूरज रिकोगशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क तो क्यू सी आई बेसिकली क्या है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तो उसका एक इनिशिएटिव आप बोल सकते हो सूरज रिकग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क ये क्या करता है अलग अलग डोमेन्स में रैंकिंग रेटिंग असेसमेंट वगैरह से इंश्योर करता है कि जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनको भी ये टैकल कर रहा है जिनकी भी रैंकिंग एंड असेसमेंट एक एडिशन ये सारी चीज़ें देख रहा है उन डिपार्टमेंट्स में एक्सेलेंस जो है वो बनी रहे ठीक है तो हम क्वेश्चन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं क्या ये इनिशिएटिव है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एम्ड एट प्रमोटिंग एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अक्रॉस वेरियस डोमेन्स येस द फ्रेमवर्क फोकसज ऑन फोर की पिलर्स एजुकेशन हेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड गवर्नेंस येस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेमवर्क इज टू इंक्रीज द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ स्टेट्स नो ठीक है तो ऐसा कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव इसका नहीं है कि जो सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द स्टेट को इन्हांस करने की कोशिश करें इसके जो फ्रेमवर्क है वो चार पिलर्स के अराउंड बिल्ड तो आंसर वुड बी वन एंड टू इसका ऑब्जेक्टिव है ड्राइव करना एक्सेलेंस अमंग द स्टेट्स टू इम्प्रूव द सिटीजन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ विकसित भारत विकसित भारत बेसिकली क्या है सेवेंटी एट इंडिपेंडेंस सेवेंटी एट जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी थीम के टाइम पे बोला गया था कि हमारा एम है विकसित भारत का दैट मीन्स रिफ्लेक्ट करना इन ऑन इंडियाज फ्यूचर एंड एनविजन करना इसकी फ्यूचर ग्रोथ बाय ट्वेंटी फोर्टी सेवन उसके लिए एक नाम दिया गया है विकसित भारत ठीक है तो सूरज इनिशिएटिव जो है एम्स टू प्रमोट हाई स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन की सेक्टर्स ऑफ इंडिया एंड वो जो की सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं एजुकेशन हेल्थ प्रॉस्पेरिटी गवर्नेंस एंड उनके ये वाले नाम भी आप याद रख लो शिक्षा स्वास्थ्य समृद्धि एंड सुशासन ठीक है तो दैट इज योर फोर की पिलर्स ऑफ दिस इनिशिएटिव आगे देखते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दमेंट टू दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जिसको शॉर्ट में एल टी सी जी भी बोलते हैं इन द फेंस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑल दो ये इकोनमी का पार्ट भी कंसिडर हो सकता है लेकिन मैंने इसको पॉलिटी में ही इनक्लूड किया बिल ठीक है since it was regarding a certain bill. तो इस बिल में इस बिल के अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं एल टी सी जी में तो हम कुछ टर्म्स यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे ठीक है वो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स में उनका नाम आ गया है तो इट्स बेटर हम यहीं पे डिस्कस करें आपके लिए इकोनॉमी में भी हेल्पफुल रहेगा एंड करंट अफेयर्स में भी यहाँ पे आ, आप एक वर्ड सुनोगे इंडेक्सेशन तो इंडेक्सेशन क्या होता है आप अपने नोट्स में ऐड कर लो डेफिनेशन चाहे ऐड कर लो समझने के लिए बाद में मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी इट इज अ वे टू adjust piece of price of price of something we bought a long time ago काउंट फॉर इन्फ्लेशन तो जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन मीन्स आपकी महंगाई ठीक है आई आई एम श्योर ये आपको तो अभी तक पता होगा एटलीस्ट इन्फ्लेशन क्या होता है महंगाई को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं इससे क्या होता है इंडेक्सेशन से आपका जो टेक्सेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है वेन वी सेल समथिंग अब वो कैसे होता है उसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी फॉर एग्जाम्पल हम एक घर खरीदते हैं ट्वेंटी टेन में लेट सपोज रुपीज वन लैख का ठीक है एग्जाम्पल है एक लाख का कोई घर नहीं मिलेगा फिर हम उसको सेल करते हैं 2024 में दो लाख में तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ इसमें वन लाख तो हमें जो टैक्स भरना होगा जो टैक्सेबल मनी होगा वो क्या होगा यहाँ पे वन लाख तो वन लाख का टैक्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा अब इंडेक्सेशन क्या होता है इंडेक्सेशन में आपका जो प्राइस होता है दैट इज एडजस्टेड एज पर द इन्फ्लेशन ठीक है तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं एडजस्टेड इंडेक्स इसके अकॉर्डिंग आपका जो घर है यहाँ पे हमने पहले क्या बोला विदाउट लाख का था आपने दो लाख का सेल किया लेकिन यहाँ पे प्राइस में इन्फ्लेशन भी इंक्लूड करोगे क्योंकि अब आपने घर बनाया है 2010 टेन में 2024 में उसको बेच रहे हो इतने टाइम में महंगाई भी बढ़ गई है ठीक है तो एक लाख प्लस 50% उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर लो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा डेढ़ लाख एंड आपने सेल किया इस घर को दो लाख में अब आपका प्रॉफिट क्या रहा जिस पे टैक्स भरना है आपको टू लाख 1.5 लाख व्हिच इज 50000 तो 50000 पे आपको टैक्स भरना है अगर आप इसको एडजस्ट करोगे इन्फ्लेशन के साथ दैट इज कॉल्ड यू इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन अगर आप सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट किस पे पे करना पड़ेगा प्रॉफिट है. तो है? है तो एक बिल आई है उसमें देखो क्या लिखा है ये जो अमेंडमेंट है इट अलाउज इंडिविजुअल और द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर हिंदू इसमें हिंदू आपके जैन पार्सी बुद्धिस्ट एंड सिख सारे इंक्लूडेड है ठीक है

मूवेबल फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ बॉन्ड्स हैं शेयर्स हैं किसी कंपनी के ठीक है इमूवेबल इमूबल इज योर लैंड लैंड आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते हो बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन ट्वेंटी फोर मंथ्स आप अपने पास रखते हो दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड अगर मूवेबल प्रॉपर्टी कितने अराउंड वन ईयर वन ईयर से ज्यादा टाइम तक अगर आपके पास रहेगी मूवेबल प्रॉपर्टी वो किसमें फॉल होगी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है The long term capital gain kya hota hai? Profits earned from the sale of assets ya investments held for a certain period. Held for a certain period. Which is more than one year in case of movable property and more than 24 months, that is two year in case of immovable property, for example, your land and all. तो ये आपको क्या कह रहा है जो इसमें अमेंडमेंट लाई है इधर आप पे करोगे ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट एल टी सी जी विदाउट इंडेक्सेशन और ट्वेंटी परसेंट विद इंडेक्सेशन फॉर हाउसेज जो आपने खरीदे हैं बिलो जो आपने खरीदे हैं बिफोर ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अब आपको क्लियर हो गई स्टेटमेंट क्योंकि क्वेश्चन समझना भी इंपॉर्टेंट है ना कि आपको पता ही नहीं हो एल क्या होता है इंडेक्सेशन क्या होता है तो यू वोट बी अंडरस्टैंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन एग्ज़ाम तो बेसिकली ये की अमेंडमेंट आपको बोलती है कि अगर आपने घर खरीदा है ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी से पहले तो यू हैव टू ऑप्शन इधर आप ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पे करो विदाउट इंडेक्सेशन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई विदाउट इंडेक्सेशन क्या होता है और आप पे करो ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट विद इंडेक्सेशन तो पहला आंसर इज इज करेक्ट फाइनेंस बिल है ये इंक्रीज करती है टैक्स लिमिट ऑन एल टी सी लिस्टेड इक्विटीज एंड बॉन्ड्स फ्रॉम वन लैख टू वन पॉइंट टू फाइव लाख आपको स्टेटमेंट ऐसे लग रही होगी डिफिकल्ट लेकिन सिंपल सी बात है इक्विटीज होता है आपकी ओनरशिप इन ए कंपनी तो ये बोल रहा है कि पहले क्या होता था कि अगर आपको एक लाख प्रॉफिट होता है अपनी uh, अपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो आपने शेयर्स काफी टाइम तक अपने पास रखे हैं या बॉन्ड्स वगैरह उन उनपे अगर आपको पहले प्रॉफिट वन लाख होता था तो आपको उस पर वन लाख पे, पे टैक्स पे करना होता था लेकिन इस बिल के अकॉर्डिंग अब आपको टैक्स करना पड़ेगा अगर टैक्स देना पड़ेगा अगर आपके पास वन पॉइंट टू फाइव लाख प्रॉफिट है उससे कम अगर प्रॉफिट है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है ठीक है सिंपल सी बात है एंड इसका आंसर है सी बोथ एल टी सी जी टैक्स इज लिवाइड ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ पीरियड क्लासिफाइड इज लॉन्ग टाइम करेक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताई लैंड आपकी बिल्डिंग्स वगैरह जो आप मूव नहीं कर सकते हो बट दैट इज एन असेट अगर वो लॉन्ग टर्म क्लासिफाई होने के लिए आपके पास कितने टाइम तक होना चाहिए मैंने अभी कही थी ट्वेंटी फोर मंथ यहाँ पे क्या लिखा है ट्वेल्व तो दिस इज रॉन्ग तो आंसर वुड बी ए ऑनली रिसेंटली माई गवर्नमेंट एम वाई जी ओ वी प्लेटफॉर्म जो है उसने टेन ईयर्स कम्पलीट किए हैं इसीलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ये एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है पी एम ने कनेक्ट करने के लिए सिटीजन को विदर्मेंट ये सिंस इट्स लॉन्च एम वाई जी ओ वी हैज रजिस्टर्ड ओवर फोर पॉइंट सेवन टू करोड़ यूजर्स जिनको हम बोलते हैं माई जीओवी साथ ही दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट स आते हैं एंड वो कैंपेन्स अलग अलग चीजों को लेके हैं अलग अलग डोमेन के जिसमें उसमें एनवायरमेंट का कुछ होगा ठीक है एंड आपके क्लिनलीनेस का कुछ है तो वैसे ही एक कैंपेन आता है सेफ्टी साइबर सेफ्टी एंड ऑनलाइन रिस्क के बारे में दैट मीन्स आपको जो ऑनलाइन गलत होता है किसी के साथ भी उसकी प्रिवेंशन के लिए दैट इज योर साइबर सेफ्टी जो आपको ऑनलाइन रिस्क से बचाता है 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 तो इसका जो कैंपेन उसका क्या नाम साइबर सेफ्टी इन ऑनलाइन रिस्क का उसका नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन अब जो बाकी कैंपेन्स है वो हम देखेंगे यहाँ पे मैंने एड किया हुआ है एल आई कैंपेन दिस इज रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टे सेफ ऑनलाइन मैंने कहा आपको स्वच्छ भारत सर्वेक्षण दिस इज़ रिगार्डिंग क्रिएटिंग अ क्लीनर एंड हेल्थ केयर इंडिया यहाँ से आप डिटेल थोड़ा पढ़ सकते हो food, मिलेट सुपर फूड हाईलाइट करता है न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस ऑफ मिलेट्स एंड अंडरस्टैंड दियर रोल इन प्रिवेंटिंग लाइफ स्टाइल डिजीजेस ताकि मिलेट्स को क्या करें इसके न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस जो हैं आपको बताए जाएँ बताए जाएँ तो मिलेट एक काफ़ी सुपर रिच न्यूट्रिय रिच न्यूट्रिय डेंस फूड है इसमें कैल्शियम जो है दूध से थ्री टाइम ज़्यादा होता है आयरन अच्छी क्वांटिटी में होता है फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है तो हमें मिलेट भी कंज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए इसको हम फिंगर मिलेट्स बोलते हैं रागी तो काफी अच्छी रहती है वो हेल्थ के लिए द फॉलोइंग रिसेंट वर टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसको हम शॉर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऐसे भी लिखते हैं टू प्रिवेंट सरोगेट एडवर्टीजमेंट ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल बाई स्पोर्ट्स मैन इन इंडिया ठीक है in अभी कोई स्टेप लिया गया था

तो basically जो ियल ब्लू है ये किस ब्रांड को प्रमोट करता है ये विस्की ब्रांड है अब सिंस विस्की जो है आ, ऐसे आप उसके एड नहीं बना सकते ठीक है वो प्रोहिबिटेड है इंटॉक्सिकेंट है इस वजह से तो इम्पीरियल ब्लू क्या करता है अपनी सीडीज लाता है और ब्रांड को प्रमोट करता है पर बेसिकली हमें पता है ब्लू का ब्रांड है जो काफी आ, इम, आ, फेमस एड्स जिसमें मेन वर्सेज मेन विल बी मैन करके टैग लाइन और पीछे पी एक अच्छा सा म्यूजिक चलता है ठीक है तो इनको हम सरोगे टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट बोलते हैं असली ये किसको प्रमोट कर रहा है असली ये प्रमोट कर रहा है एम्पीरियल ब्लू विस्की को लेकिन वाया और सी ठीक है उसको सी के शेप पे कि हाँ एक सी है इम्पीरियल ब्लू उसका एड लगाया लेकिन एक्चुअली प्रमोशन हो रही है ब्रांड की तो इनको हम सरोगेट सरोवर्टीज बोलते हैं इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया है वो क्या है साइनिंग इन एन एंटी टोबैको डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म प्रोहिबिशन इन द प्रोहिबिटिंग द प्रमोशन ऑफ टोबैको अल्कोहल इन स्टेडियम और इवेंट्स होस्टेड बाई बी सी सी आई क्योंकि uh, जो एडवर्टीजमेंट ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल बाई स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया है तो आप इसमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीजें देखोगे रोगेट प्रमोशन बाई स्पोर्ट्स पर्सन जो कॉमेंट में बताओ बीसीसीआई का फुल फॉर्म तो ये सारी चीज में चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं अभी करंटली इंडिया में कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है सरोगेट एडवर्टीजमेंट को लेके पॉज दीडियो एंड जो भी यहाँ पे एक्ट्स हैं वो एक बार ही लिख लो बिकॉज यू नेवर नो ऑल दो मैंने थोड़ा इन डेप्थ जाके ये करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है बट यू नेवर नो विथ जेके पी एस सी वो आपको कुछ भी पूछ सकता है ठीक है तो हो सकता है अगर वो इन डेप्थ जाने की कोशिश करे तो ये सारी चीजें भी आपको पूछ लें। तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है आपको बस ये एक्ट लिखने हैं एन एन के साथ में लिखने एंड ये आपको थोड़ा बहुत याद कर लेने एंड ये आपको याद करना वेस्ट भी नहीं हो जाएगा क्योंकि कल को मेन्स में यही आपके काम आएगा ठीक है अब देखो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी अब देखो यूपीएससी के बारे में इस बार ही पढ़ लेना क्योंकि रिसेंटली प्रीति सुदान जो है वो यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है फर्स्ट अगस्त 2024 से उन्होंने चेयर जो है वो संभाली है इस वजह से यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं देयर इज नो बार ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन एंड लेफ्ट टू द डिक्रीशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजिडेंट दिस वन इज ट्रू

ज लेव दूसिडेंट यूजन जो है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर में कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस चेयरमैन एंड द अदर में कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको ऑथोराइज किया हुआ प्रेसिडेंट को एंड ना के पार्लियामेंट को जैसा की क्वेश्चन में गिवन था तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही आप याद रखोगे यही इस रिगार्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन में प्रेजिडेंट द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिमूवल ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स तो किस कंडीशन पे होता है ऑन अकाउंट ऑफ मिसबिहेवियर मिसबिहेवियर पे हाउएवर इन दिस केस द प्रेजिडेंट द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी

ऑप्शन में आपको डवरी कंजेंट ऐसी सारी चीजें लिखी हूं तो उसमें जो फोर्स मैरिज वाला ये ऑप्शन है तो एनआईसीडीपी क्या है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट को तो बेसिकली स्मार्ट सिटीज इंडस्ट्रियल सिटीज जो है उनको कैटेगराइज किया गया है तो वहां पे क्या होगा आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वगैरह ऐसी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल करवाओगे कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप मैन्युफैक्चरिंग ये वाला काम काफी अच्छे से हो तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग वाइज अभी भी काफी पीछे है ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये आपके प्रिलिम्स के लिए तो करंट अफेयर्स है ही इम्पॉर्टेंट लेकिन आपके मेंस के लिए भी अब देखो आपको सिर्फ प्रिलिम्स क्वालिफाई नहीं करना है ना आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो आपका जो कंटेंट है जनरल स्टडीज का वो आपके करंट अफेयर्स से आता है करंट अफेयर्स से ही आप सिलेक्ट हो जाते हो मतलब सारा कर, सिर्फ करंट अफेयर्स से नहीं लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आंसर फॉर्मेशन में ठीक है तो ये ट्वेल्थ न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज आप इसमें क्या याद रखोगे पहले ट्वेल्थ सिटीज देख लो कौन कौन सी अप्रूव हुई हैं खुरपिया उत्तराखंड राजपुरा पटियाला पंजाब दिग्गी महाराष्ट्र पल्कड केरला का, आगरा यूपी प्रयागराज यूपी गया बिहार जहीराबाद तेलंगाना और वकल आंध्र प्रदेश कु आंध्र प्रदेश जोधपुर पाली राजस्थान ऑब्जेक्टिव क्या है सपोर्ट करना विकसित भारत वो मैंने आपको बताया क्या होता है एंड कोर प्रिंसिपल्स हैं इसके पी एम घट शक्ति प्रिंसिपल पी एम शक्ति बेसिकली क्या है एक इनिशिएटिव uh, है इम्प्लीमेंटर कोऑर्डिनेट करवाना डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ठीक है तो सात ऐसे चीजें हैं सात ऐसे एरियाज हैं जहां पे क्या करता है इनकी uh, प्रिंसिपल uh, के अकॉर्डिंग क्या होता है सात ऐसे एरियाज में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं इन सात एरियाज की सिक्सटीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करनी चाहिए ठीक है तो वो सात डिफरेंट फील्ड्स कौन से हैं एक हो गया रेलवे रोडवेज ये आप लिख लो हो सकता है घट शक्ति आपका अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आए अगर नहीं भी आए तो मेन्स में तो डेफिनेटली कहीं पे आप यूज कर पाओगे जनरल स्टडीज में वाटरवेज़ एयरपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो इन सात फील्ड्स में सेवे सिक्सटीन डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना वो गटे शक्ति इसके स्कीम के अंडर आता है प्लग इन प्ले मॉडल दैट मींस रेडी टू यूज फैसिलिटीज जो है इन इंडस्ट्रियल एरियाज में होनी चाहिए ताकि जो बिजनेस है वो अच्छे से चले ठीक है तो ये हो गया आपका ट्वेल्व न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज इसमें क्वेश्चन आ सकता है अंडर किसके है एंड ये आ सकता है कि वो सिटीज में आपका आपको नाम दिया हो सकता है चेंजेस वेंजेज डी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेनमेंट बिल इंट्रोड्यूस जो मिनिमम एज है फॉर वुमेन की टू गेट मैरिड उसको रेज किया गया है एटीन से ट्वेंटी वन अब देखो वुमेन को लेके खास कर अगर कहीं पे कोई चेंज आती है किसी एक बिल में किसी भी स्टेट में तो वो नेचुरली आपका सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो बन जाता है वट इज द पर्पज ऑफ़ ई सेहत मॉड्यूल रिसेंटली लॉन्च बाई द इंडियन आर्मी तो ई सेहत मॉड्यूल जो है वो किस चीज़ की वजह किस चीज़ के लिए लाया गया टेली कंसल्टे दैट मीन्स फोन पे कंसल्टे करना किन की एक्स सर्विस मैन की कॉन्ट्रीब्यूटरीब्यूटरी ई सी एच एस बेनिफिशरी उन्होंने रिगार्डिंग बीमारी या एंड ऑल घर से ये सारी चीजें हों तो ये आप याद रखोगे ये किस में आता है ई e सेहत में किसके लिए है किसने लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने द टेंट डे श्री बाबा बुद्धा अमरनाथ प्रोग्राम में जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में जाती है से जाती है ये कोइनसाइड uh, करती है दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के साथ स्वर्ण पूर्णिमा एंड रक्षाबंधन तो यहाँ पे इसकी डिटेल भी लिखी हुई है पूंछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से प्रग्राम जो है स्टार्ट होती है तो वो यू शुड बी एबल टू तो आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनसी नार्कोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो इन इंडिया ये हुआ था इन नाइनटीन एटी फाइव एटीफाइव अंडर साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज एक्ट ठीक है एंड इसके बारे में थोड़ा बहुत यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने इनाग्रेट किया एनसीबी जोनल ऑफिसर इन रायपुर छत्तीसगढ़ इसी वजह से हम करंट अफेयर्स में इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं अदरवाइज ये आपके स्टैटिक स्टैटिक पॉलिसी का पोर्शन है द एन सी बी इज द इंडियाज मेन ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिनिस्ट्री याद रखोगे कब स्टेबलिश हुआ था वो याद रखोगे एंड किस एक्ट के अंडर ऑपरेट करता है वो याद रखोगे हेडक्वार्टर जिसका डेली में है वट इज़ द पर्पज ऑफ इक्विलेंस रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाई परख टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो परख ने जो रिपोर्ट दी है ठीक है उसका क्या पर्पस है पहले हम देखते हैं परख क्या होता है परख जो है ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी आती है अंडर एन और इसका क्या काम होता है जैसे हमें पता है हमारे पास सी बी एस सी अलग अलग बोर्ड्स हैं हमारे पास स्टेट बोर्ड्स हैं फिर सी बी एस ई है फिर आई सी एस है ताकि डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं जो पढ़ाई में आ, जिनके अलग अलग करिकुलम होता है अलग तरीके का इवेलुएशन होता है अलग तरीके का स्टैंडर्ड होता है उन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले दैट मीन उन सब में कहीं कहीं सिमिलैरिटी आ जाए जैसे कि किलुएशन जिस तरीके की वो करते हैं उनमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आए ताकि ऐसा नहीं हो कोई एक बोर्ड का स्टूडेंट जो है एटी परसेंट ला रहा है एंड किसी एक बोर्ड का स्टूडेंट है इससे ज्यादा लाने मतलब ला सकता है लेकिन उसके बोर्ड की चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है एंड वो सिक्सटी से ऊपर नहीं बढ़ रहा तो ये चीज गलत हो जाती है इस वजह से जो परख है ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करती है स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है एनसीआर टी उसने रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट की है टू तो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इक्विवेलेंस रिपोर्ट उसको बोला जाता है विच मेक्स रिकमेंडेशन ऑन हाउ इक्विवेलेंस को हम अचीव कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स इन दी कंट्री और किसके अलाइन होनी चाहिए वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी जो कि आ चुकी है तो इसका आंसर होगा टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन अक्रॉस डिफरेंट बोर्ड्स ठीक है तो ये जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं परख के यहाँ से देख सकते हो असिस्ट करना नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस को इम्प्रूव असेसमेंट पैटर्न्स एंड्रीज इवेलुएशन डिस्पैरिटी की ऐसा नहीं है अलग पूर्व अलग तरीके से इवेलुएट करते हैं और किसी स्टूडेंट के बहुत हाई मार्क्स आते हैं किसी के काफी लो मार्क्स आते हैं और एक बेंच मार्क्स सेट करना की कि आपको किस तरीके से जो है चीजें वो कंडक्ट करनी है सिलेबस कैसा हो करिकुलम वो सारी चीजें इवेल्युएशन कैसी हो असेसमेंट कैसी हो ठीक है तो ये हमारे पॉलिटी का अभी आई गेस और दो लेक्चर्स में पॉलिटी का करंट अफेयर हम कवर करेंगे या एक सिंगल लेक्चर में नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो नेक्स्ट वीकेंड पे होगा उसके बाद विल अप इकोनमी और सम अदर पोर्शन एंड जैसे स्कीम्स आती हैं या रिपोर्ट्स सब इंडक्सेज हैं तो उसका सेपरेट वीडियो आएगा ठीक है आप अपना जो स्टैटिक पोर्शन है वो कंटिन्यू रखो करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लो ये डाउनलोड कर लो मेरी ऐप वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इसको टाइमली रिवाइज़ करो एंड मेरी जेके एस प्रम्स टेस्ट सीरीज़ है वो जरूर ज़रूर परचेज करो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड वो कितनी हेल्पफुल रहेगी वो आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो ब बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे